एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने किया था इंट्रोडक्शन टू न्यू बोर्न इन्फेंट, और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, और वो टॉपिक है अपगार स्कोर। तो अपगार स्कोरिंग हम क्यों करते हैं? जब एक न्यूनेट होता है, वो बोर्न होता है, एक न्यू बोर्न बेबी होता है, तो पहले तो वो प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, जो भी उसे चाहिए वो रिसीव कर रहा होता है। बट जब हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, उसी टाइम पे जो देखो वो प्लेसेंटा से ले रहा था, वो उसी टाइम उसका कनेक्शन वहां से कट हो जाता है, और बेबी जो है वो इंडिपेंडेंटली रेस्पिरेट करने लगता है। तो उसके लंग्स क्या होते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं बेबी के लंग्स। तो अपगार स्कोरिंग इसलिए ली जाती है उसके कंडीशन को असेस करने के लिए, रेस्पिरेटरी स्टेटस को असेस करने के लिए, सर्कुलेटरी स्टेटस को असेस करने के लिए, एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को असेस करने के लिए हम अपगार स्कोरिंग लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो, सबसे पहले बात आती है अपगार स्कोर को इन्वेंट किसने किया था। तो देखो, डॉक्टर वर्जीनिया अपगार, इन्होंने अपगार स्कोरिंग को इन्वेंट किया था इन 1952 में इन्वेंट किया था। अब हम देखते हैं अपगार स्कोर की टाइमिंग्स। तो देखो, सबसे पहले हम अपगार स्कोरिंग कब लेते हैं, 1 मिनट पे, क्योंकि देखो जब बेबी बोर्न होता है तो उसी टाइम पे हम अपगार स्कोरिंग ले लेते हैं 1 मिनट पे। नेक्स्ट हम लेते हैं एट 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम 1 मिनट में लेते हैं तो स्कोरिंग बिल्कुल बोल सकते हो करेक्ट नहीं आती है, क्योंकि उस टाइम बेबी बोर्न ही हुआ होता है, उसे भी थोड़ा सा टाइम लगता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए। तो फिर हम दोबारा से स्कोरिंग करते हैं 5 मिनट्स पे। तो जो अपगार स्कोरिंग के रिजल्ट्स हैं वो 1 मिनट के कंपैरिजन में 5 मिनट्स पे बेटर रिजल्ट हमें मिलते हैं। 3 मिनट्स पे हम अपगार स्कोरिंग तब लेते हैं जब फिजिशियंस ऑर्डर होता है। तो अब हम देखते हैं अपगार स्कोर का क्राइटेरिया। तो देखो, A4 होता है अपियरेंस, और अपियरेंस में हम क्या देखते हैं, स्किन कलर। न्यूनेट के स्किन कलर को असेस करेंगे हम अपियरेंस में। सेकेंड आता है पल्स। तो देखो, पल्स में हम क्या देखते हैं, हार्ट रेट। पल्स हमारा किससे कनेक्टेड है, कौन से सिस्टम से, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से, तो उसमें हम चेक करेंगे हार्ट रेट। जी से होता है ग्राइमेसिंग, और इसमें हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। आपने रिफ्लेक्सेस पढ़े होंगे न्यूबोर्न के, तो हम रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स उसमें असेस करेंगे। A4 होता है एक्टिविटी। एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे, मसल टोन, बेबी की मसल टोन को असेस करेंगे। और R से होता है रेस्पिरेशन। लेकिन देखो, जैसे पल्स यहाँ था तो हमने हार्ट रेट को असेस किया, बट यहाँ रेस्पिरेशन है तो हम रेस्पिरेटरी रेट को असेस नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ रेस्पिरेशन ही होगा, क्योंकि जो बेबी की रेस्पिरेशन होती है वो इररेगुलर होती है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू न्यूबोर्न इन्फेंट के टॉपिक में बताया था कि बेबी की जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो शैलो होती है और इररेगुलर होती है, स्लो होती है, तो वो कभी भी जो है एक्यूरेट नहीं आ सकती है। तो दैट्स वाई हम इसमें रेस्पिरेटरी रेट को काउंट नहीं करते हैं, और ना ही ब्लड प्रेशर को काउंट करते हैं। लेते हैं टोटल स्कोर कितना होता है अपगार स्कोरिंग का। तो देखो, टोटल स्कोर होता है 10। जब हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारी जो कैलकुलेशन है वो 7 to 10 के बीच में आ जाए, मीन्स टोटल तो होता है 10, अगर हमारी जो कैलकुलेशन है वो 7 to 10 के बीच में जब हमारी स्कोरिंग आती है, तो उसे हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, नो डिप्रेशन की कैटेगरी में, नो डिप्रेशन। और अगर हमारी जो स्कोरिंग है वो 4 to 6 आती है, मीन्स 10 में से अगर 5 आती है या 4 या 6, तो हम उसे माइल्ड डिप्रेशन की कैटेगरी में डालेंगे, माइल्ड डिप्रेशन। और अगर हमारी स्कोरिंग 0 to 3 आती है, देन हम उसे मानेंगे सीवियर डिप्रेशन। तो देखो, हमने टोटल स्कोर देख लिया, हमने ये देख लिया कि नो डिप, अगर हमारा स्कोर 7 to 10 के बीच में आता है देन न्यूनेट को डिप्रेशन नहीं है, और अगर 4 to 6 के बीच में आता है देन माइल्ड डिप्रेशन है न्यूनेट को, और अगर 0 to 3 के बीच में हमारा स्कोर आता है तो सीवियर डिप्रेशन है। तो देखो, हमने स्कोरिंग देख ली, तो अब हम देखेंगे कि जो स्कोर है वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, अपगार स्कोर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो चलिए वो देख लेते हैं। अपगार स्कोरिंग का क्राइटेरिया, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट क्राइटेरिया है रेस्पिरेशन, तो हम इसमें रेस्पिरेशन चेक करेंगे। अगर तो रेस्पिरेशन बेबी में एब्सेंट है,
तो हम स्कोर देंगे 0। अगर रेस्पिरेशन जो है वो स्लो है और इरेग्युलर है तो हम स्कोर देंगे 1। और अगर गुड क्राइंग है, गुड क्राइंग मीन सेटिस्फैक्ट्री रेस्पिरेशन है, आप उसकी रेस्पिरेशन से सेटिस्फाई हो, अच्छे से ब्रीद कर रहा है बेबी, तो उसे हम बोलेंगे गुड क्राइंग और उसे हम स्कोर देंगे 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्ट रेट की। अगर हर्ट रेट एब्सेंट है तो हम स्कोर देंगे 0। अगर हर्ट रेट स्लो है और 100 से बिलो है हर्ट रेट और स्लो है तो हम स्कोर देंगे 1। और अगर हर्ट रेट मोर देन 100 है, मीन 100 से भी ज्यादा है, तो हम कितने मार्क्स देंगे? 2। क्राइटेरिया हम देखते हैं मसल टोन। अगर मसल टोन फ्लैसिड है तो हम मार्क्स देंगे 0। और फ्लैसिड का मीनिंग ये होता है कि उसमें मसल्स में कोई भी, जब जैसे हम पिंच करेंगे बेबी की मसल को तब भी उसको मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे, बेबी को बेबी रिस्पॉन्स नहीं देगा, तो उसे हम बोलेंगे फ्लैसिड मसल टोन। नेक्स्ट आता है सम फ्लैक्शन। अगर सम फ्लैक्शन है, थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको दिख रहा है एक्सट्रीमिटीज का, मींस अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज बेबी की, तो तब हम मार्क्स देंगे 1। एंड अगर एक्टिव बॉडी मूवमेंट्स है, अच्छे से बॉडी की मूवमेंट हो रही है, तो हम मार्क्स देंगे 2। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो यही होगा, रिफ्लेक्सेस हम स्टडी करेंगे। तो देखो, अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है बेबी तो हम स्कोर देंगे 0। अगर ग्राइमेस है तो स्कोर देंगे 1। एंड बेबी क्राई कर रहा है तो स्कोर देंगे 2। देखो स्किन कलर देखेंगे नेक्स्ट क्राइटेरिया में। अगर बेबी की जो स्किन है वो ब्लू या फिर पेल है, थोड़ी येलो है, तो हम उसे स्कोर देंगे 0। और अगर बॉडी का जो कलर है वो पिंक है और एक्सट्रीमिटीज जो है वो ब्लू है तो हम स्कोर देंगे 1। और बॉडी कंप्लीटली पिंक है बेबी की स्किन तो तब हम स्कोर देंगे 2। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक बेबी है और उसका जो रेस्पिरेशन है वो हमें स्लो एंड इरेग्युलर मिला है, तो हमने 1 स्कोर दिया है 1। नेक्स्ट हर्ट रेट जो है हमें मोर देन 100 मिला है उसमें, तो हम स्कोर देंगे 2। नेक्स्ट है मसल टोन, तो हम मसल टोन असेस करेंगे, तो हमें सम फ्लेक्शन नजर आई है एक्सट्रीमिटीज की, मींस कुछ थोड़ी बहुत बॉडी मूवमेंट कर रहा है, तो उसे हम स्कोर देंगे 1। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, तो हमें क्या मिला? ग्राइमेसिंग, तो हम स्कोर देंगे 1। एंड स्किन कलर, स्किन कलर हमें क्या मिला? ब्लू एंड पेल, तो हम स्कोर देंगे 0। तो अब हम इसे काउंट करेंगे 1, 2, 2 एंड 1, 3 एंड 4, इसका हो गया 5। ओके, तो हमने 10 में से कितना स्कोर दिया? 5। इट मींस मैंने आपको करवाया था जो 4 to 6 होता है, 4 to 6, इट मींस उसमें माइल्ड डिप्रेशन है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? अगर 5 हमारा स्कोर आता है अफगार स्कोर, तो उसे हम बोलेंगे माइल्ड डिप्रेशन। तो इस तरीके से हम स्कोरिंग करते हैं, जैसे कि आपने देखा। देखिए अफगार स्कोर एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा रिफ्लेक्सेस ऑफ अ न्यूबोर्न बेबी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।